बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के सेट से लिए गए हैं। देखिए, जीके जीएस जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो इससे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट की प्रैक्टिस करें। उससे होगा क्या, आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा, हल कर पाइएगा और आपका रिजल्ट भी होगा, है ना। तो ध्यान देंगे, और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितने वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगा दी। आपको बताना है बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितने वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगाई है। ऑप्शन में दिया गया है 15 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष। बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न देखेंगे। दो नंबर है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। आपको बताना है किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न देखेंगे, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। आपको बताना है किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। तो ये करते हैं अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। आपको बताना है 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है बी देखेंगे, मुंबई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मुंबई। 60 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। आपको बताना है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। तो राष्ट्रीय प्रतीक शेर है नीदरलैंड का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो देश है इसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, शेर है। छह नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, छह नंबर है, के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है। आपको बताना है के आर नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कर्म भूमि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्म भूमि। कर्म भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है, के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सात नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। आपको बताना है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे आठ नंबर प्रश्न पर, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की। आपको बताना है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। ऑप्शन में है 1858 ईस्वी, 1877 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में और 1869 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि 1858 ईस्वी में धारण की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न देखेंगे, नौ नंबर है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। आपको बताना है ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया पीला, सफ़ेद और ऑप्शन सी है हल्का नीला, रूपहला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सफ़ेद। प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। आ जाएंगे आप 10 नंबर प्रश्न पर, आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है। आपको बताना आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है। तो ये है आपका
बहरीन में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहरीन। आइजल ऑफ पर्ल जो है बहरीन में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, देखिए दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के सेट से लिए गए हैं, है ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर टाइम दिया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, एनर्जी देता है ना, क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर के सेट से प्रश्नों को छाटते हैं, है ना, फिर उनकी टाइपिंग कराते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, वीडियो के पीछे हम इतना वर्क करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आपको बताना है पहले थे या दसवें थे या बीसवें थे या सोलहवें। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये सोलहवें है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलहवें। याद रखेंगे अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सोलहवें थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 13 पर, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नर्क में शासन करें, यह कथन किसका है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नर्क में शासन करें, यह कथन किसका है, तो ये कथन है मिल्टन का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्टन का। 1 नवंबर से बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट आने वाला है ना, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के रहेंगे, है ना, महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था, तो ये थे मिनोरू यभास्की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनोरू यभास्की। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था, तो मिनोरू यभास्की थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है, आपको बताना है सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है, तो ये है कहाँ की, बेल्जियम की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है, तो बेल्जियम की है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, AK-47 का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है AK-47 का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे मिखाइल क्लासिनकोव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल क्लासिनकोव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मिखाइल क्लासिनकोव। थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन 2-3 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, मिखाइल क्लासिनकोव AK-47 के आविष्कारक हैं। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, तो इंग्लैंड का दौरा करने वाले हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय हैं। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में जो डाक दिवस है वो ऑप्शन देखेंगे 9 अक्टूबर, 19 अगस्त, 5 अप्रैल, 19 अक्टूबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अक्टूबर। भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को। 19 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया, आपको बताना है राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था नवंबर 1970, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा नवंबर 1970, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था नवंबर 1970 को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, आपको बताना है भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है, तो ये है अप्सरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है,
विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, जिसे IDA भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये है, ऑप्शन हॉकी है, गोल्फ है, क्रिकेट है और पोलो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है क्रिकेट। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है लुसाने, यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर, 24 नंबर है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? आपको बताना है मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, है ना। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम 7 खिलाड़ियों की आवश्यक होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? आपको बताना है तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है, तो ये होती है फ्री स्टाइल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्री स्टाइल। इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।